छंद नंबर दो, भावनाओं का फल। इन भावनाओं के भानी से क्या फल है? इन चिंतत सम सुख जागे, जिमी ज्वलन पावन के लागे। जब ही जिए आत्म में जाने, तब ही जिए शिव सुख ठाने। इन चिंतत सम सुख जागे, जिमी ज्वलन पवन के लागे। जब ही जिए आत्म जाने, तब ही जिए शिव सुख ठाने। जिमी जैसे पवन हवा के लागे लगने से, जैसे हवा के लगने से ज्वलन अग्नि जागे धधक उठती है। जैसे हवा चली और अग्नि भपकती है, धधकती है, बढ़ जाती है, उसी प्रकार इन माने भावनाओं के चिंतक चिंतन करने से समसुख समता रूपी सुख जागे जागृत हो जाता है। इन बारह भावनाओं के द्वारा जब ही जिए, जब जी आत्म आत्मा को जानी पहचानता है, तब ही जिए, तब ही जीव शिव सुख मोक्ष रूपी सुख को ठानी प्राप्त करता है। जब जीव अच्छी तरह इन बारह भावनाओं के माध्यम से अपने आत्मवैभव को प्राप्त कर लेता है, बाहर की वस्तुओं से दूर हटता है, तो उसे क्षमता रूपी सुख की प्राप्ति होती है। कहा सबसे सुखी कौन? सबसे सुखी है संतोषी, जिसे जो प्राप्त है वह पर्याप्त है, जैसा मिल रहा है वो मेरे ही पुण्य पाप का फल है। ऐसी जिसकी मंगल भावनाएं हैं वो जीव इस संसार में सबसे सुखी है। इन बारे भावनाओं का चिंतन करने से समता रूपी सुख प्रकट होता है। क्षमता क्या? समता था समानता। अर्घावतारण असी प्रहारण में सदा समता धरण। वन उपवन माही एक से है। आचार्य कुंद महाराज लिखते हैं, जो कांच में और लोहे, कांच में और रत्न में, लोहे में और स्वर्ण में, जीवन और मृत्यु में, प्रशंसा और निंदा में, सुख में और दुख में, इन सब में समान हैं, किंचित मात्र भी जिन्हें राग द्वेष नहीं है, ऊपर नीचे नहीं है, जमीन पर बिठा दिया तो बैठे हैं, सिंहासन लगा दिया तो बैठे हैं, कहीं भी उन्हें परिणामों में उतार चढ़ाव नहीं आ रहा है। अर्धावतारण असी प्रहारण, क्या महत्वपूर्ण बात है। कोई आके बड़े बड़े सोने के थालों में रत्नों के अर्घ लाए कर चढ़ाए, फल चढ़ाए या अन्य प्रकार की द्रव्य सामग्री चढ़ाए, और दूसरा व्यक्ति आकर डंडे दिखाए, तलवार मारे, उन सब में भी समान भाव रखें। आचार्य भगवंत पूज्यपाद देव पूज्य ग्रंथराज स्टोक देश की अंतिम भावनाओं में लिखते हैं, कैसा है वो जो मोक्ष को प्राप्त करने जा रहा है? तो कहते हैं, मुक्ताग्रहो विनिविशन सजने बनेवा। वो पूर्व के पूर्ण आग्रहों से मुक्त हो। मैंने तो ऐसा पढ़ा था, मैंने तो ऐसा सुना था, नहीं नहीं ये सब नहीं चलेगा। चलेगा क्या? जो आगमी ग्रंथ में यहाँ पढ़ा देखा, ये प्रमाण आपको दे दिया कि देखो भगवान कुंद ने ये कहा, अब हाँ मैं अपने पूर्व की विपरीत धारणा, विपरीत मान्यता, गलत चीजों को छोड़ता हूँ और ये आगम की पद्धति को अपनाता हूँ। ऐसे मुक्ताग्रह हो, कैसा हो? सजनी बनेवा, समता वितन्य। चाहे जंगल में रहना पड़े, चाहे सज्जन के बीच में रहे, रहेगा कैसे? आत्मस्थ होगा, समान। जंगल में है वहाँ
आत्म परिणामों में रमेगा और जहाँ सबके बीच में है वहाँ भी आत्म परिणामों में रमने की भावना आता है। ऐसा होता है वैरागी, तब जाकर वे ऐसी महान पवित्र पुण्यशाली पवित्र मुद्रा, वीतराग मुद्रा, जिनेन्द्र मुद्रा, सिंह वृत्ति, महान वृत्ति को, महाव्रतों को धारण करने वाले मिराज बनते हैं।